क्या लिख रहा है, डीसी एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब मैं आउटपुट करंट के लिए लिखू, हिंदी में डाल लो इसको, डीसी एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, मतलब निर्गत 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 धारा के लिए, निर्गत धारा के लिए औसत मान, या इन्हें ब्रैकेट में लिख लो औसत धारा, क्या औसत धारा। और औसत धारा मिलती कहां पे, डीसी मिलेगी, कहां मिलेगी, डीसी में। औसत धारा कहां मिलती है, डीसी में। और बच्चे जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े, क्या पढ़े, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसमें हमें सिग्नल कैसे मिलते हैं, सिग्नल पता है, बताओ सिग्नल कैसे मिलते हैं, मतलब जब जो डीसी करंट मिलता है वो कैसे मिलता है, अल्टरनेट कैसे मिलता है, जैसे ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो ये पाई इतना कितना पाई, और फिर इतना पाई तो कितना हो गया 2 पाई, कितना हुआ 2 पाई। तो लिखो औसत डीसी धारा, औसत डीसी धारा एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए 2 पाई, कितनी 2 पाई दूरी तय करती है, 2 पाई दूरी तय करती है। तो बच्चे ने देखो आई डी सी में क्या निकालना है, डीसी इसको एवरेज करंट यानी कि औसत धारा भी बोलते, क्या बोलते हैं, औसत धारा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2π, क्या 1/2π इंटीग्रेशन 2π/0, मतलब लिमिट अपर लिमिट 2π लोअर लिमिट 0 आई डी ओमेगा टी। देखो इस डिग्री में करते हैं dx लिखते हैं, अब x से क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी। और हम लोग पता है इक्वेशन नंबर कौन सा बोलो, कार्बन देखो बोलो, सेकेंड ना कि थर्ड, थर्ड होगी है, कौन सी है थर्ड। पहले क्वेश्चन क्या थी, इज इक्वल टू इनर्ट साइन ओमेगा टी, और दूसरी क्या निकली थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आर एफ प्लस आर एफ। और ये आई नॉट इक्वल क्या हो गई, ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एफ। देखो वी नो दैट, पीछे लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, बच्चा इधर आई इक्वल क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू क्या था, E not sin omega t, तो I equal to I not sin omega t, तो IDC, IDC कर कितना आएगा 1/2π और upper limit 2π lower limit 0, आज ये क्या रहेगा I not sin omega t और sin omega t d omega t, क्या आएगा d omega t। अब जब इंटर में ट्रगुड़ पड़े थे प्रॉपर्टी पढ़े थे इंटर में, जब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़े थे लिमिट को तोड़ना, याद है भूल है, बताओ तो इसको लिमिट तोड़ने क्या आएगा, बोलो दीपका बोलो बच्चा, इसका वो माइनस कॉस जीरो टू पाई, पहले किसमें जाएगी जीरो टू पाई आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी प्लस सेकेंड किसमें जाएगा पाई टू टू पाई, किसमें जाएगा पाई टू टू पाई, पाई टू टू पाई। और क्या आई नॉट साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। लिमिट अलग कर लीजिए पाई, फिर जीरो पाई से टू पाई, इधर बढ़ जाओ इधर बढ़ जाओ, देखो दिखाई दे रहा है लोगों को। देखो बच्चा क्या है कि जो हम लोगों ने फिगर लिया है ये किसके लिए, अर्धनिर्दिष्टकारी के लिए, तो पहले तरंग ये जाएगी फिर नीचे बनेगी नहीं, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे बनेगी फिर ये जाएगी, तो जीरो टू पाई यही है कितना है जीरो टू पाई, और फिर पाई टू कितना होगा टू पाई, तो इसमें करंट पास ही नहीं हो रहा जिस पाई में, करंट किसे पास हो रहा जीरो टू
पाई में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई डी सी इक्वल वन अपान टू पाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, पाई टू टू पाई, और कितना जाएगा जीरो डी ओमेगा टी, कितना जाएगा जीरो डी ओमेगा टी, बस समझ गए। तो ये जीरो जाएगा, जीरो के टी तो क्या आएगा जीरो, तो आई डी सी का कितना बचेगा वन अपान टू पाई। अब आई डॉट कांस्टेंट, आई डॉट वाले लिया माइनस कॉस ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा, जैसे साइन एक्स का तो क्या होता है कॉस एक्स, अब एक्स जगह क्या लिखा ओमेगा टी, तो ये पूरा एक्स हो गया, क्या हुआ ये माइनस कॉस, तो माइनस में लगा दिया कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई, तो आई डी सी इक्वल कितना है माइनस वन आई नॉट अपान टू पाई, दिखाई दे रहा है आई नॉट अपान टू पाई, और कास ओमेगा टी की वैल्यू कितनी क्या रखेंगे पाई, और माइनस कास जीरो, कास पाई वैल्यू क्या होती है माइनस एक, कास पाई वैल्यू माइनस एक, तो यहां लिखते हैं कास पाई वैल्यू कितनी माइनस एक, पहना रही है ठीक है। तो आई डी सी इक्वल कितना है, आई डी सी, आई डी सी का देखो आई नॉट अपान टू पाई, और कॉस पाई वैल्यू कितनी माइनस वन, कितनी माइनस वन, और कॉस जीरो वैल्यू कितनी वन, तो आई डी सी का कितना आएगा बोलो बच्चा, माइनस यहां लगा था पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई नॉट टू आई नॉट कितना जाएगा टू आई नॉट अपान टू पाई, टू से टू कैंसिल, तो आई डी सी, डी सी करंट कितना मिलेगा आई नॉट अपान पाई, तो औसत धारा कितनी मिली हमें आई नॉट अपान पाई, ये पहले यहाँ पे माइनस इसी है कास, ठीक है माइनस कॉस है, हाँ गलत कर दिया, कास टी का इंटीग्रल साइन टी का, साइन का माइनस कॉस होता है ना, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ठीक है ठीक है ना, नोट करो और नोट करो, ये तो साइन की देखो बच्चा हमारे पास जल्दी क्या निकला, आई डी सी इक्वल आई नॉट बाई पाई, और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ, ई नॉट अपान आर एफ प्लस आर एफ, और इंटू वन अपान पाई, ये क्या आया डायरेक्ट करंट, तो डी सी करंट, औसत औसत धारा, क्या औसत धारा, जब औसत धारा ये निकल कर आ गया, अब हमें फाइंड करना है औसत विभव, क्या औसत विभव, एवरेज वोल्टेज, देखो तब तब डीसी और एवरेज आउटपुट वोल्टेज, देन देन डीसी आर एवरेज एवरेज डीसीआर डीसीआर एवरेज वोल्टेज इन आउटपुट या हिंदी में लो निर्गत निर्गत औसत विभव, निर्गत औसत विभव हमें क्या निकालना है, निर्गत औसत विभव निकालना, ठीक है, और निर्गत औसत विभव क्या कहेंगे ईडीसी, क्या बोलेंगे देखो, जैसे बीज कंडो आईआर होता है, बीज कंडो क्या होता है बस हमारी ना बिल्कुल क्या जाता है आईआर, और आई दे क्या लिखेंगे आईडीसी इनटू आर दे क्या लिखेंगे आर एम, क्या लिखेंगे क्योंकि निर्गत में रेजिस्टेंस किसका आर एम है, तो ईडीसी इक्वल आईडीसी वैल्यू कितनी है आई नॉट अपॉन पाई इनटू आर एम, एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है ईडीसी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर एम प्लस आर एल इंटू आर एल अपॉन पाई, क्या लिख दो आर एल अपॉन पाई, नोट करो।
हम लोग इंटर इंटर पढ़े थे रूट मीन्स स्क्वायर धारा, क्या रूट मीन्स स्क्वायर धारा, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। आरएमएस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट जो किसके लिए निकालना है, ये किसके लिए निकालना है, डीसी करंट के लिए, किसके लिए निकालना है, डीसी के लिए, और किसमें निकालना है, आधे चालक में, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, किसमें बच्चा, हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिएगा द रूट मींस स्क्वायर वैल्यू, अच्छा हिंदी में लेना, तो देखो लिखे वर्ग धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस बराबर, आई आर एम एस बराबर, अब देखो हम लोगों ने क्या लिया था, वन अपॉन टू पाई, क्या लिया था, वन अपॉन टू पाई, इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई, और आई स्क्वायर क्या लिया है, आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, ये लिया था, अब देखो इसको स्क्वायर कर दिया, अब फिर क्या करते हैं, वन बाय टू, क्या करते हैं, वन बाय टू, बच्चा पास समझ, स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, वन बाय टू, धारा का स्क्वायर किया और वन बाय टू कर दिया, ठीक है। और आई वैल्यू क्या होती है पता है, आई क्या होती है, बोलो, आई नोट साइन ओमेगा टी, वन अपॉन टू पाई और जीरो टू टू पाई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी पावर वन बाई टू, पावर वन बाई टू, बच्चा इसको फिर लिमिट तोड़ दो इसकी, आई आर एम एस इक्वल वन अपॉन टू पाई जीरो टू पाई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस जी पाई टू टू पाई, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, ठीक है ना बच्चा, अब पावर वन बाय टू, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर एम एस वन अपॉन टू पाई जीरो टू पाई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कर दी जीरो, क्या कर दें, जीरो वन बाय टू, तो आई आर एम एस इक्वल वन अपॉन टू पाई आई नॉट वन निकाल लो आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाले और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जीरो टू पाई, अब इसको गणित फॉर्मूलाइज कर देंगे, देखो कॉस 2x इक्वल क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो साइन स्क्वायर x इक्वल क्या आएगा 1 माइनस cos 2x, अच्छा 1 माइनस cos 2x ये आएगा ना, और अपॉन क्या आएगा 2, तो अपॉन ले लिया 2, ठीक है ना, तो यहां पर बच्चा लिखेंगे 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, क्या डी ओमेगा टी, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 बाय 2 बार ले और 1 बाय 2, ठीक है, अब करना क्या है बच्चा, दो बार कर लो, तो आई आर एम एस मैं तरीके से करना है, आई आर स्क्वायर अपॉन नहीं क्योंकि सभी पूरे करना ही है, तो कितना जाएगा 4 पाई, कितना आएगा 4 पाई, अब कितना बचा, ओमेगा टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट पाई और d ओमेगा टी, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई,
अभी इतना नोट करो, डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, नोट कर रहे हो कुछ तो देखो हमारे पास क्या आया, आई आर एम एस स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर अपॉन फोर पाई। अब वन का इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा ओमेगा टी, कितना आएगा बोलो बच्चा, इसे कैलकुलेटर पे लगा लो ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा, जैसे कॉस 2 एस करो तो 1 अपॉन 2 नीचे आता है, तो माइनस 1 अपॉन 2 नीचे आया और कॉस एस क्या होता है साइन एस, तो साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट क्या लगाएंगे इसमें 0 टू पाई, ठीक है पावर 1 बाय। अब बच्चा देखना आई आर एम एस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, अब जहां ओमेगा टी रखा है क्या लिखेंगे पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 2 ठीक है, और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू रखें कितना आएगा साइन पाई और माइनस साइन 0 ठीक है, और ये टोटल क्या जाएगा 0 साइन पाई वैल्यू कितनी होती है 0 साइन 0 वैल्यू 0, तो टोटल 0 क्या बचा हमारे पास आई आर एम एस इक्वल I नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इनटू पाई पावर 1 बाय 2 पाई स्क्वायर कैंसिल, तो आई आर एम एस इक्वल कितना आया आई नॉट बाय 2, तो ये क्या आया रूट में से स्क्वायर करें रूट में से स्क्वायर धारा, ठीक है बच्चा वर्गमूल मूल धारा, एक मिनट सुनो कितने की आ गया आई आर एम एस क्या हो गया, देखो आई आर एम एस क्या आई आर एम एस आई नॉट वैल्यू क्या होती है इसमें बोलो ई नॉट क्या होती है ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एफ, और इसी के पहले लिख दो कितना 1 अपॉन 2, तो ये हमारे पास क्या आया आई आर एम एस क्या धारा का वर्ग मार्ग मूल मान रूट मीन्स स्क्वायर करें रूट में स्क्वायर करें, ठीक है नोट करो बच्चा नहीं डालो। नेक्स्ट पावर सप्लाई टू द सर्किट, पावर सप्लाई टू द सर्किट मतलब परिपथ के अंदर निवेशी सामर्थ्य, परिपथ के अंदर निवेशी सामर्थ्य। अच्छा ये बताओ परिपथ धारा दी जाती है सप्लाई की जाती है तो क्या निकालेंगे, और धारा कैसी होती है एसी होती है, कैसी होती है एसी होती है, तो हम लोग पावर क्या बोलेंगे पी एसी, क्या बोलेंगे मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसमें जो धारा में देते हैं कैसा होता है एसी करंट होता है, जब धारा एसी तो पावर इसके लिए क्या आएगा एसी, और पी एसी देखो पावर इक्वल होता क्या है हम लोग बचपन में पढ़े थे बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, क्या पढ़े थे डब्ल्यू अपॉन टी, और फिर इंटर में पढ़े बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल क्या आया बताओ बी अपॉन क्यू, क्या आया नहीं क्यू बी बी आई क्यू आया, ठीक है क्या आया डब्ल्यू इक्वल बी क्यू, क्या आया बी इंटू क्यू, ये वैल्यू डाल के आ गए पावर में तो कितना जाएगा बच्चा बी क्यू बी क्यू अपॉन टी, तो पी इक्वल क्या आएगा बी इंटू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी होता है टी से टी कैंसिल, तो पी इक्वल क्या आया बी आई, ठीक है तो हमें क्या निकालना पी ए सी, तो पी ए सी इक्वल क्या आएगा बताओ बी ए सी इंटू आई ए सी, तो पी ए सी इक्वल टू आएगा, और एक चीज और देखो बी इक्वल टू आई आर होता है, बी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई आर लगा दो और इंटू आई, तो पी इक्वल टू क्या जाएगा आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर क्या है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस, इसी के लिए क्या लेते हैं आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस क्या फॉरवर्ड प्लस लोड रेजिस्टेंस, दोनों क्या लेकर के लेंगे फॉरवर्ड प्लस लोड रेजिस्टेंस, तो पी ए सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चा आई आर एम एस वैल्यू 1 अपॉन 2, या ये पढ़े थे हम लोग क्या आई आर एम एस इक्वल क्या पढ़े थे आई नॉट अपॉन 2 आई नॉट अपॉन 2
तो कितना जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, और क्या आर एल प्लस आर एल, एल हम लोग इसमें ले वोल्टेज में, तो इसकी वैल्यू देंगे ई नॉट स्क्वायर। अच्छा ई नॉट स्क्वायर क्या आएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन फोर पहले से, और क्या आएगा आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एल, एक इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चा, पी ए सी कल ई नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, एक कैंसिल क्या बचेगा आर एल प्लस आर एल, ये पी ए सी की वैल्यू निकलेगी और इसका मात्रक क्या होता है वाट, क्या होता है वाट, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई टू द सर्किट। अब हमें पावर और निकालने किसके लिए, डीसी सर्किट के लिए करनी है, डीसी सर्किट के लिए। तो ये हमारा पावर सप्लाई टू द सर्किट आ गया, ठीक है, यानी एवरेज पावर सप्लाई टू द लोड रेजिस्टेंस, एवरेज पावर सप्लाई टू द लोड रेजिस्टेंस, औसत शक्ति लाभ, औसत शक्ति, औसत शक्ति किसके लिए, औसत शक्ति लोड प्रतिरोध के लिए, किसके लिए लोड प्रतिरोध के लिए। तो लिखेगा औसत शक्ति लोड प्रतिरोध के लिए, लोड प्रतिरोध के लिए निर्गत किस पे लेते हैं, निर्गत धारा पर लेते हैं, निर्गत धारा पर लेते हैं, अतः अतः एवरेज पावर सप्लाई को पीडीसी से प्रदर्शित करते हैं, किससे पीडीसी से प्रदर्शित करते हैं। तो पीडीसी इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, आईडीसी क्या आएगा आईडीसी, और क्या क्या केवल आरएल, क्या आएगा केवल आरएल, क्योंकि किसके लिए ले रहे आउटपुट के लिए, आउटपुट में क्या होता है रेजिस्टेंस आरएल होता है। तो पीडीसी इक्वल टू और आईडीसी वैल्यू क्या है बताओ, पीछे पढ़ चुके हो आई नॉट बाय पाई क्या है, आई नॉट बाय पाई क्या है, आई नॉट बाय पाई है, तो स्क्वायर कर देंगे दिस आरएल, तो पीडीसी क्या कितना आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इनटू आरएल, ठीक है। और आई नॉट की वैल्यू पता है सभी को क्या है, ई नॉट अपॉन आर एल प्लस आर एल, इसका और स्क्वायर कर दो या ई स्क्वायर लगा दो या आर एल अपॉन क्या लिख दो पाई स्क्वायर, ये पी डी सी है, क्या आया पी डी सी है, ठीक है। ये पावर औसत औसत